हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज टाइम हो रहे हैं सुबह के 10 एंड आज हम जा रहे हैं लामा यारू, जो कि लद्दाख की मूनलैंड बोलते हैं। तो हम आज बाइक से जा रहे हैं और आज मुझे लिफ्ट नहीं मिला है, आज मैंने किसी और को लिफ्ट दिया है मतलब मैं किसी और के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं उनकी बाइक ड्राइव कर रहा हूँ। जा रहे हैं लामा यारू एंड लामा यारू पहुँचने में हम लोगों को टाइम लगेगा, आई थिंक मोर देन 2 आवर। एंड पता नहीं, थोड़ा नॉइज़ आएगा क्योंकि बाइक में हो तो नॉइज़ तो नॉर्मली नॉइज़ आना ही है, मैनेज कर लेना वॉइस की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। एंड अभी हम लोग पत्थर साहिब पहुँचने वाले हैं, लेह सिटी से निकल चुके हैं। हम लोग अभी मैग्नेटिक हिल पहुंच रहे हैं, आ ही गए भाई, पहुंच नहीं रहे, आ ही गए हैं। ये है सामने मैग्नेटिक हिल एंड यहाँ पे जो बोला जाता है कि यहाँ पे गाड़ी को खींचता है कि आपको जिस साइड में जाओगे जाते टाइम आपको थोड़ा प्रेशर ज़्यादा, सॉरी, जाते टाइम आपको आप इजीली जा पाओगे, बट आते टाइम आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। बट अभी देखते हैं बाइक चला के कि कैसा लग रहा है। मैंने इससे पहले ट्राई किया था, इससे पहले तो मेरे को कुछ फील हुआ नहीं था, बट कार में लग रहा था कि कोई मैग्नेटिक काम कर रहा है, बट बाइक में तो मेरे को लगा नहीं है अभी तक। एंड यहाँ बहुत क्राउडेड है, बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं ऑलरेडी यहाँ देखने, तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हमको हम आते वक्त देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो फिर संगम, मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब अगर फिर से रुकना हो तो रुकेंगे, क्योंकि ये सब पहले मैंने कर चुका है। इसलिए अभी डायरेक्ट ये देखो भाई कितने क्राउडेड रास्ते में, पूरा टूरिस्ट है, पूरा टूरिस्ट भरा हुआ है। और देखो जैम जैम नहीं, बस थोड़ा सा टूरिस्ट की, मतलब अभी तो सीज़न लास्ट है तो टूरिस्ट ख़त्म हो जाएंगे, बट यही यही लास्ट सीज़न है, उसके बाद तो फिर नए सीज़न सुनने वाले हैं। और टूरिस्ट देखो कितने हैं, रास्ते में बैठे हुए हैं और हॉर्न भी नहीं सुन पा रहे हैं, क्या आदमी है भाई। अरे भाई, रोड क्या मक्खन है भाई, मक्खन आपको सब बटर बोल सकते हो, चीज़ बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, रोड क्या मक्खन, बहुत ही स्मूथ रोड है। इसलिए क्योंकि 125 में पहाड़ों में 5 से 6 घंटा, जैसे कि नुब्रा वैली करोगे आप 130 किलोमीटर है समथिंग, वो आपको 5 से 6 आवर लग जाते हैं। बट ये इतना रोड, ये ले कश्मीर हाईवे, ले श्रीनगर हाईवे, एंड ये बहुत ही स्मूथ है भाई, बहुत ही स्मूथ, जिसके लिए टाइम हम लोगों को बहुत कम लग रहा है। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं लद्दाख की मूनलैंड जिसको बोलते हैं लमयारू, एंड यहाँ पे मोनेस्ट्री विजिट कर लिया। यहाँ मूनलैंड इसलिए बोलते हैं कि यहाँ की जो शेप है, यह दिखने में थोड़ा मतलब जैसे चांद पे उबर खाबर रहते हैं लाइक दैट, सो इसलिए इसको मून लैंड कहते हैं। एंड मैं आगे कुछ आपको मतलब स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जो मून लैंड बोलते हैं। 125 किलोमीटर बाइक राइडिंग करके आ गए यहाँ, एंड आज अलग ही एक्सपीरियंस होगा क्योंकि बाइक राइड करके आए। एंड भाई, ले श्रीनगर हाईवे स्मूथ चॉकलेट है पूरा, बट सेफ्टी के साथ। निकलते हैं यहाँ से, अभी तो हम लोग मोनेस्ट्री विजिट कर लिए एंड अब निकलेंगे मूनलैंड की जो मतलब जिसे मूनलैंड कहते हैं, वो थोड़ा कैप्चर करेंगे एंड देन यहाँ से फिर निकलेंगे ले के लिए। यहाँ आने में हम लोगों को टाइम लगेगा 2-2.5 घंटा समथिंग, एंड अभी टाइम हो रहा है 2:30 PM। निकलते हैं यहाँ से। लो हेलमेट लगाओ या बैग, बैग भर ले, बैग, हाँ बैग भर लेते हैं। तुम लेना फिर मुझे भेज, फोटो लेना पड़ेगा उधर, पत्थर का आ नहीं रहा है। लेट्स निकल लेते हैं फटाफट।
हाँ घुमाते हैं, सो बाइक को घुमाते हैं। आप घुमा नहीं पाओगे बाइक? नहीं पाओगे, घुमा लो। चलो रेडी निकलते हैं। सो हम लोग निकलते हैं, तो सही है वरना ठंड बढ़ेगी। और ग्लव्स नहीं लगाते तो मेरा हाथ काम करना बंद कर देगा। मून लैंड नहीं मिलेगा यहीं रुके क्या, कुछ शॉट्स ले लेते हैं देन यहाँ से निकलते हैं। सो यहाँ रुकते हैं, कुछ मून लैंड की शॉट्स लेते हैं फिर चलते हैं। दिस इज मून लैंड। इस तरफ तो नहीं, ये जो साड़ा है ब्राउन कलर की, ये साड़ी की साड़ी मून लैंड है। सो इट्स अ मून लैंड ऑफ लद्दाख। वो नाइस, जस्ट वाओ। चलो फिर मैम एंट्री करके गए, जल्दी बोलना पड़ेगा, जा सकते हैं। ओके थैंक यू। ये चेक पोस्ट था और चेक पोस्ट में आते टाइम हम लोगों का गाड़ी का नंबर लिया था, तो गाड़ी का नंबर ये लोग नोट करते हैं ओनली ट्रैक के लिए। एंड उसके बाद आते टाइम बोल दिया तो बोले कि जाओ आप अगर आ रहे हो ना ILP यानी इनर लाइन परमिट लेके आना इस तरफ आ रहे हो तो, क्योंकि ये ज़रूरी है यहाँ के लिए। एंड आते टाइम हम लोगों का चेक किया था तो आप लोग ज़रूर लेके आओ। हिल पे और चारों तरफ अभी तूफान चल रहा है भाई, तूफान पता नहीं क्यों धूल उड़ रही चारों तरफ, और ये ATV चलाने के लिए। तो भैया कितने की है? इधर पूछो, उधर उधर हाँ उधर बोलो पूछो कितने की है। तो वो बंदा है ना। अच्छा अच्छा कितने की है ये?
हजार रुपए कितना टाइम कर सकते हैं? कितना टाइम कर सकते हैं? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे वीडियो डाल रहे आप? तो वो आपकी जो कस्टमर आते हैं ना उनके लिए, ठीक है? तो 2 किलोमीटर देते हैं 1000 रुपये। हाँ जी सर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलाना है तो चला लो। अभी तो मुझे नहीं चलाना, ऐसे ही तूफान आ रखी है, पूरा धूल से भर जाऊंगा। डिस्काउंट कर देगा? हाँ अच्छा, डिस्काउंट। सो डिस्काउंट जो है, जो आएंगे बंदे उनको देना, ठीक है? अच्छा हाँ, जो वीडियो देख के आएंगे। कोई बात नहीं, करेंगे डिस्काउंट। ऑफ कोर्स करना होगा आपको। ओके चलो ठीक है। वेलकम। आप एक बार ना